आप अविनाश को बहुत करीब से जानते हैं ना? जी हाँ, हर बात जानता हूँ, रग रग पहचानता हूँ। खुदा कसम, दोस्त हो तो ऐसा, हर गम में शरीक, हर खुशी में हिस्सेदार। ये खुशबू कौन सी है? इंटीमेट। क्या बात है इस इंटीमेसी की? दरअसल मेरी और अविनाश की दोस्ती कुछ ही दिनों की है। मैं तो अविनाश के बारे में कुछ भी नहीं जानती। अजी हम बता देंगे, सब कुछ बता देंगे। क्या बात है इस इंटीमेसी की? आपको पसंद है ना? अविनाश के घर वालों को हमारे मिलने जुलने से कोई एतराज तो नहीं होगा ना? उसके घर वाले, क्या उसने आपको? एक मिनट। आदम भाई, तुम आज यहाँ कैसे आ गए भैये? अरे भाई, इतने परेशान क्यों हो रहे हो? कभी कभी पुराने साथियों की, पुराने रिश्तों की याद तो आ ही जाती है। आज हमें तुम्हारी याद आ गई। मोहब्बत है तुम्हारी, वरना हम कहाँ और तुम कहाँ? माल तो तुमने भी बहुत कमाया है आदम भाई। मगर धोखा कभी नहीं किया। कभी नहीं, कभी नहीं, सिर्फ एक बार। एक बार? कब? जब तूने हमारा माल उस बाजारू कमीने कुत्ते के हाथों बिकवाने की कोशिश की। कमीना? कुत्ता? कौन? अविनाश। अरे उसकी लाज छोड़ो भैये। आखिर माल तो बेचना ही था ना भैये? हाँ बेचना ही था, लेकिन हमारे बारे में या हमारे धंधे के बारे में उसे पूरी इन्फॉर्मेशन देने की क्या जरूरत थी आदम भाई? ये झूठ है। खुदा कसम भैये, ये जबान जल जाए अगर एक लफ्ज भी निकाला हो तो। चलो छोड़ो इस बात को, मगर ये तो तुम्हें कहा गया था ना कि जब अविनाश यहाँ आए तो उसकी खबर मुझे मिलनी चाहिए। हाँ। फिर जब वो यहाँ आया तो मुझे बताया क्यों नहीं आदम भाई? अविनाश यहाँ? अरे खुदा कसम भैये, मैंने तो उसकी शक्ल तक नहीं देखी। सुना है किसी ने उसे ठिकाने लगा दिया। नाटक मत करो, मेरे आदमियों ने उसे यहाँ आते देखा है। खुदा कसम मैं सच कह रहा हूँ। मुझसे गद्दारी करके तूने अच्छा नहीं किया आदम भाई। इतनी पुरानी दोस्ती थी हमारी, इतनी पुरानी कि एक दोस्त को अलविदा कहने के लिए मुझे खुद आना पड़ा। इस शहर का हर एक गुंडा, हर एक बदमाश, हर खबरी जानता है कि अविनाश वापस पहुंच चुका है। इससे पहले कि उस तक कोई और पहुंच सके, अविनाश को यहां पहुंचना चाहिए। अंडरस्टैंड बोथ ऑफ यू? अविनाश, तुम ये गाना कैसे जानते हो? मुझे
ऐसा लगता है ये गाना पहले पहले भी कहीं सुन चुका हूँ। तो गाते क्यों नहीं, शायद तुम्हें कुछ याद आ जाए। कोशिश करो, गाओ ना। अविनाश, 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 क्या हुआ अविनाश, क्या हुआ, क्या हुआ तुम्हें अविनाश? सोचो, यहां हूं ना मैं तुम्हारे पास। सोचो, सोचो। तुमने मेरे साथ प्यार नहीं, धोखा। उन्हें मालूम हो चुका था कि मैं तुम्हें प्यार करने लगी हूँ, तुम्हें बचाना चाहती हूँ, इसलिए उस गद्दारी की सजा दी गई। कौन है वो, किसने किया? निशा, प्रताप, सफर। मैं उसी के लिए काम करती थी। सफर और प्रताप, सफर देश के बहुत बड़े बदमाश हैं। सफर कौन है? और एक दूसरे के दुश्मन। उनसे होशियार रहना। कहाँ है वो लोग? तुम्हारा भाई। मेरा भाई हॉस्पिटल, और वो लड़की। कौन है वो लड़की? निशा बोलो, वो निशा लड़की। बोलो निशा, कौन है वो लड़की? तुम्हारी, तो कौन? निशा, निशा, निशा। ये आप कैसे लगी? My God, ये तो मर चुकी। अविनाश, तुम? मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। आओ मेरे साथ, चलो यहां से। हवलदार तुम्हें ही ठहरो, और अपने परिचय में ये लिखना कि यहाँ लाश के अलावा कुछ भी नहीं मिला। जाओ, आओ। नहीं, मैं निशा को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। पागल हो गया है? जानता है तेरा यहाँ आना खतरे से खाली नहीं है। चल, हाँ, सोच क्या रहा है? मैं तेरा दोस्त हूँ राजन, तेरे बचपन का दोस्त। चल, अरे लेकिन तेरी याददाश्त गई कैसे? पता नहीं, ना जाने कैसे एक बहुत बड़े मुजरिम का कोई राज मुझ तक पहुंच गया है। वो मुझे जान से मार डालना चाहता है, लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी, मैं जिंदा बच गया। लेकिन अपने आप से अजनबी हो गया हूं, सब भूल गया हूं दोस्त, सब भूल गया। दुखी मत हो मेरे यार, भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा।
अरे कॉलेज से लेकर इंस्पेक्टर बनने तक तूने मेरा साथ दिया और आज मैं तेरी मदद नहीं करूंगा। तुम क्या मदद करोगे? सबसे पहले तुझे ले जाकर उससे मिलवाऊंगा जिसको देखते ही तेरी याददाश्त वापस आ जाएगी। कौन है वो? तेरी बीवी अलका। देखो तो कौन है। तुम जिंदा हो, तुम जिंदा हो। भगवान भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, तेरा लाख लाख शुक्र है भगवान। अभी तुम आ गए, अभी मैं जानती थी तुम आओगे, मैं जानती थी तुम जरूर आओगे। तुम वापस आ गए, अभी तुम वापस आ गए। मुझे पूरा पूरा यकीन था अभी, इसलिए इसलिए मैंने अपनी चूड़ियां नहीं तोड़ी, अपना मंगलसूत्र नहीं उतारा। तुम कहाँ चले गए थे अभी? तुम अचानक कहाँ चले गए थे? तुम मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? धीरे से काम लो अलका, अविनाश बीमार है, इसकी याददाश्त जा चुकी है, ये किसी को नहीं पहचानता। मुझे भी नहीं, अपनी पत्नी को भी नहीं पहचानती। हे भगवान, ये सब क्या हो गया, ये सब क्या हो गया? अलका, रोने धोने से कुछ नहीं होगा, उसकी मदद करोगी तो उसकी याददाश्त वापस आ जाएगी, समझदार को इशारा काफी। कमान, मेरा भाई कहाँ है? भाई? तुम्हें याद है? नहीं, निशा ने बताया था। निशा ने और क्या बताया था? कुछ नहीं। कहाँ है सुमित? उसे नर्सिंग होम में रखा है ताकि उसकी देखभाल अच्छी तरह से हो। जिन जालिमों ने तुम्हें मारा, उन्होंने सुमित को भी पैरालाइज कर दिया। मैं सुमित से मिलना चाहता हूँ। हाँ हाँ, जरूर जरूर, लेकिन इस वक्त विजिटिंग टाइम खत्म हो चुका है। कल सुबह चलेंगे, मैं डॉक्टर को फोन कर दूंगा।